Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. एंड्रयू शियर ने अपनी जमात के एनवायरमेंट प्लान का ऐलान कर दिया। कनाडा पनाह गुजीनों को खुशामदीद कहने में सरे फहरिस्त। जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात के लिए बातचीत चल रही है हेड कोच टोरंटो रैप्टर्स। ईरान ने अबनाए हर्म्स के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराया वॉशिंगटन पोस्ट। सऊदी वजीर खारजा ने जमाल खाशकजी के कत्ल पर अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। शिमाली कोरिया तनाजा, अमरीका बगैर किसी शर्त के मुजाकरात के लिए राजी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you are financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. एनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ, दो और तीन बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी। तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए शराज बदर 519-807-8771, ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com। वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा की कंजर्वेटिव जमात के रहनुमा एंड्रयू शियर की जानिब से उनकी जमात के माहौलियात से मुतालिक प्लान का ऐलान कर दिया गया है। उनका कहना है कि वो कनाडा के कार्बन में कमी के अहदाफ को पूरा करेंगे और मौजूदा कार्बन टैक्स को खत्म कर देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की कंजर्वेटिव जमात के रहनुमा एंड्रयू शियर की जानिब से उनकी जमात के माहौलियात से मुतालिक प्लान का ऐलान कर दिया गया है। उनका कहना है कि वो कनाडा के कार्बन में कमी के अहदाफ को पूरा करेंगे और मौजूदा कार्बन टैक्स को खत्म करेंगे। प्लान जो 60 सफात पर मुश्तमिल, उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी और टैक्स खत्म करने पर गौर किया गया है, जो कि उसमें ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी करने पर सख्ती से अमल किया जाएगा, और अगर गैसों का अखराज बढ़ता है तो जिम्मेदार कंपनीज को इस बात का पाबंद किया जाएगा कि वो हुकूमती सर्टिफाइड ग्रीन टैक कंपनियों के फंड में सरमायाकारी करे। शेयर का कहना था कि हम कनाडा में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना चाहते हैं, इसके साथ साथ आलमी सतह पर कार्बन के अखराज को भी कम करना चाहते हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी का कहना है कि गुज़िश्ता साल कनाडा में सबसे बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीन बहाल हुए और पनाह गुज़ीनों की जानिब से शहरियत हासिल करने में कनाडा दूसरे नंबर पर है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी का कहना है कि गुज़िश्ता साल कनाडा में सबसे बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीन बहाल हुए और पनाह गुज़ीनों की जानिब से शहरियत हासिल करने में कनाडा दूसरे नंबर पर है। UNHCR की सालाना ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में दुनिया भर के 25 ममालिक जहाँ पनाह गुज़ीन पहुँचे, उनमें पनाह गुज़ीनों की कुल तादाद 92,400 है, जिनमें 28,100 कनाडा पहुँचे। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 18,000 पनाह गुज़ीनों ने कनाडा की शहरियत हासिल की। कनाडा दुनिया भर में पनाह हासिल करने वालों में 9वें नंबर पर रहा, जिनमें 25,400 दरख्वास्तें मौसूल हुई। UNHCR कनाडा के सीनियर रीसेटलमेंट ऑफिसर माइकल कैसासोला का कहना है कि कनाडा पनाह गुज़ीनों को खुशामदीद कहने में लीडर की हैसियत रखता है, तहम पनाह हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद रवा खजा में होने वाले इंतखाबात में अहम मसला बन सकते हैं। तो
टोरंटो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं टोरंटो रैप्टर्स के हेड कोच निक नर्स का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात के लिए बातचीत चल रही है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो रैप्टर्स के हेड कोच निक नर्स का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात के लिए बातचीत चल रही है। नर्स का कहना था कि उन्होंने व्हाइट हाउस की जानिब से एजाजी मुलाकात से मुतालिक कुछ नहीं सुना, तहम उनकी टीम ओटावा के साथ रबते में है। उनका कहना था कि ट्रूडो के साथ मीटिंग लाजमी होगी क्योंकि इस हवाले से उनसे पूछा गया है। मुकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निक नर्स का कहना था कि व्हाइट हाउस से कोई रबता नहीं किया गया क्योंकि हम कैनेडा की टीम है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ईरान की जानिब से अबनाए हर्म्स के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ईरान की जानिब से अबनाए हर्म्स के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान ने अबनाए हर्म्स के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराया। पासदाराने इंकलाब ने अमरीकी ड्रोन RQ-4 ग्लोबल हॉक ईरान के सूबे हर्म्स गान के करीब इलाके कोहे मुबारक में गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन बिल अर्बन ने फिलहाल इस मामले पर कोई भी तबसरा करने से इंकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ते कबल भी खलीज उमान में अमरीकी ड्रोन को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया था जो नाकाम रहा था। ताहम तेहरान ने उन हमलों की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया था। सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने जमाल खाशकदजी के कत्ल पर अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने जमाल खाशकदजी के कत्ल पर अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट में कुछ नया नहीं, ये बातें पहले ही मीडिया पर आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात रिपोर्ट की साख को मुतासिर करते हैं। अक्वामे मुत्तहदा ने अपनी गैर पाबंद रिपोर्ट में पहले से मीडिया में शाया और नशेशुदा अशात का अयादा किया है। आदिल अल जुबैर ने कहा कि उस वक्त सऊदी अरब में जमाल खाशकदजी कत्ल केस की तहकीकात और उनके कत्ल में मुलव्वस मुश्तबा अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि सऊदी अदलिया खाशकदजी केस में मुकम्मल बाख्तियार मिजाज अथॉरिटी है और वो मुकम्मल आजादी के साथ काम कर रही है। वाज़ेह रहे कि अक्वामे मुत्तहदा का अपनी रिपोर्ट में कहना था कि सऊदी सहाफी जमाल खाशकदजी के कत्ल पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से तफ्तीश होनी चाहिए, शवाहिद मौजूद हैं, सऊदी हुकाम कत्ल में मुलव्वस हैं। शिमाली कोरिया से कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका बगैर किसी शर्त के एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए राजी हो गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शिमाली कोरिया से कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका बगैर किसी शर्त के एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए राजी हो गया। तफसीलात के मुताबिक उससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन से मुज़ाकरात के लिए हामी भर चुके हैं, अलबत्ता शुमाली कोरिया ने इनकार कर दिया था। गैर मुल्की खबर सादारे के मुताबिक किम जोंग उन ने मौके इख्तियार किया है कि मुज़ाकरात के लिए अमरीका को अपनी पाबंदियाँ खत्म करनी होंगी। अलबत्ता अमरीकी हुकाम का कहना है की शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोई शर्त नहीं है। ताहम साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है की प्योंग योंग को जौहरी सलाहियत के खात्मे के लिए ज्यादा इकदाम करने चाहिए। दरअसल ऐसा अमरीकी सदर को शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की तरफ से एक नया खूबसूरत खत भी मौसूल हुआ है जिसमें मुस्बत ख्यालात का इजहार और जौहरी प्रोग्राम के खात्मे की बात की गई है। अमरीका के खसूसी मंदूब स्टीफन बेगन का कहना था कि शुमाली कोरिया ने गर्म जोशी पर मबनी ताल्लुकात के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करने की पेशकश की है, ताहम बामाई ने मुज़ाकरात के लिए काबिले तस्दीक इकदाम जरूरी है। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।